हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद फिटनेस में। तो जैसा कि पेट की चर्बी कम करना है, ठीक है, ये फैट, साइड फैट, मतलब फ्रंट फैट और साइड फैट कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे पास आवेदन आ रहे थे, मतलब आवेदन क्या, लोग पूछ रहे थे। तो पहली बात तो मैं एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको समझाता हूँ, सबका शरीर, सबकी बॉडी मैकेनिज्म अलग होता है बॉडी का, कि मतलब फैट की लेयर कितनी मोटी होती है, किसी का फैट पतला होता है, किसी का ये जो आप लेयर देखते हो किसी की मोटी होती है, तो उनको आराम से वो मतलब जो पेट कम होता है उनका आराम से पेट कम नहीं होता, उनमें ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, उनकी टेक्निक अलग होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर देंगे, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हो, आपको पर्सनल ट्रेनिंग के तहत हम तैयार करेंगे और 6 महीने के अंदर आपका वेट कितना भी हो 10 से 15 से 20 किलो तक कम करने की गारंटी है हमारी। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाओ व्हाट्सअप करो, वहाँ से डिटेल लो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, वो जो पर्सनल ट्रेनिंग ना, उससे कम से कम 10 लोगों को अभी तक बेनिफिट हो चुका है और 2.5 से 3 किलो वजन भी कम करा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब आज का वीडियो शुरू करते हैं, 5 बेस्ट एक्सरसाइज बताऊँगा मैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइज वो होंगी जो मतलब जो एज ज़्यादा जिनकी है वो भी कर सकें, जिनकी कम एज है उनके लिए मैं अलग से बताऊँगा, क्योंकि जब एज ज़्यादा हो जाती है तो कुछ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शरीर की और थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होती, तो मैं वो सिर्फ प्रॉपर इजीली एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर बैठे आराम से कर सको, ठीक है। तो पहले तो आप धीरे बस थोड़ा सा वार्म अप कर लो बस, ये ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमें जिस चीज़ की एक्सरसाइज करनी उसका वार्म अप बहुत जरूरी है, तो ये ठीक है। ये करने से क्या है, पेट में आपके वो जो मसल्स हैं, मतलब नसें हैं, वो थोड़ा सा खींच जाएंगी, जो अंदर का मतलब हीट प्रोग्राम में आ जाएगा ये, कि मतलब रनिंग में आ जाएगा, इसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहले एक्सरसाइज हमारी देखिए क्या है, देखो सबसे ज़्यादा फैट होता है हमारे साइड फैट और ये लोअर हैंड, मतलब नीचे की तरफ और साइड में सबसे ज़्यादा इस पार्ट में होता है, इसको बोलते टायर्स, ठीक है, इनमें होता है। तो सबसे पहले हम आगे का करेंगे, ठीक है। तो देखो आप कोशिश करो, वेट हो अगर आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इससे आपका क्या है कि ये लोअर वाला खींचेगा, थोड़ा पीछे की तरफ जाओगे ना तो ये खींचेगा और फिर बाद में स्क्वीज होगा। अगली एक्सरसाइज देखो, घर में कर रहे हो तो इसलिए मैं ज्यादा भी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा पास आओ, ठीक है, क्योंकि घर में कर रहे हो आप लोग, एज आपकी अगर ज़्यादा भी है तब भी आप कर सको, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखना जितना आपसे हो सकता है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ जितना आपसे हो सकता है, ठीक है, उतना करो आप, और बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। कुछ हमें ज्ञान देंगे ये एक्सरसाइज गलत है, प्रॉपर फॉर्म क्या है, ये कान से सटा के, ठीक है, लेकिन घर में जब आप कर रहे हो, अभी आपने शुरुआत की है तो आपसे इतना प्रॉपर फॉर्म नहीं जाएगा, तो अभी सिर्फ आपको ये करना है। अगर वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है, वो भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या काम करो कि घर में थोड़ा सा वेट होगा, अगर 2 ईंटें भी हैं तो 2 ईंटें ले लिए, ठीक है, 2 ईंटें ले लिए और बस ये, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज हमारी ये हो गई, ठीक है। अब 3rd एक्सरसाइज, प्रॉपर खड़े रहो आप, ठीक है, प्रॉपर सीधे खड़े रहो, ठीक है, उसके बाद बस इससे आपका ये जो पार्ट है ये स्क्वीज होके आएगा ऊपर, तो यहां से फैट क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3rd एक्सरसाइज। अब हमारी आती है 4th एक्सरसाइज। देखो 4th एक्सरसाइज करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, ठीक है, थोड़ी सी परेशानी होगी, बट आप वो झेल लोगे तो फिर काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, घर में इधर साइड से आओ जरा, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपसे जितना भी हो सकता है, अब मैं जितना बता रहा हूँ प्रॉपर फॉर्म में नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आपसे थोड़ा, देखो ये है प्रॉपर फॉर्म, लेकिन आपसे अगर ये नहीं जा रहा है तो आप बस, ठीक है, नहीं पूरा आगे जा रहा पैर, कोई दिक्कत नहीं, पीछे पीछे रखो, ठीक है। शुरुआत करनी, देखो एक्सरसाइज का मतलब
ये नहीं होता है कि आप पहले दिन से ही परफेक्ट हो जाओ, लेकिन करो कि आप कुछ ऐसे करो, स्टार्ट करो कि आपको पहले उसमें पूरी तरीके समझ में आना लगे कि ये चीज़ किस चीज़ पे इफेक्ट करेगी और इसका प्रॉपर फॉर्म क्या है। आप पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है? तो आपको पूरा पैर आगे नहीं ले जाना है, आप बिगनर हो, स्टार्ट किया है बस ये, ठीक है? तो आपको पूरा पैर नहीं ले जाना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैर पीछे ले जाना है, ठीक है? अब लास्ट एक्सरसाइज हमारी बचती है, तो लास्ट एक्सरसाइज आपकी कैपेसिटी पे है, ये प्लैंक, शोल्डर के बराबर हाथ फोल्ड और उतना ही पैर, और पीछे ऊपर सामने देखना है, ठीक है? तो आपसे जितना भी होल्ड हो सकता है, अभी तो फालतू में आपका टाइम जाएगा, हम ज्यादा देर तक करेंगे तो आपसे जितना होल्ड सकता है उतनी देर करो, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। तो ये है हमारी पांचों एक्सरसाइज, जिससे कि आपका लोअर फैट साइड फैट आराम से जाएगा। और दूसरी बात बता दूं, अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, आप कमेंट में जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके डिटेल ले लो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, आपको मैं घर में बैठ के आपका वजन कम कराऊंगा, ठीक है? घर में बैठे बैठे आपका वजन कम कराऊंगा, क्योंकि सिर्फ ये इस पर निर्भर नहीं करता, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो इस पर डिपेंड कुछ नहीं करता है। आपने एक्सरसाइज तो कर ली, घर जाके आपने पूड़ी खा लिया, के चार पूड़ी हचक के पेल लियो, सब खत्म, जो भी यहाँ किया सब बर्बाद। तो डाइट भी बहुत ज़रूरी, ठीक है? डाइट का अहम रोल होता है ये ध्यान रखना, तो डाइट का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन आप घर पे रह के डाइट प्लान नहीं तैयार कर पाते हो, इसलिए बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सअप करके आप पूरी डिटेल ले सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि बहुत बेहतरीन वीडियो है। आप ये 15 दिन करोगे फर्क समझ में आने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।